दोस्तों आज भी लेके आ गया हूँ बहुत ही कमाल की टेक और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड न्यूज अपडेट्स को लेके। दोस्तों आज है मंडे, तो शुरू करते हैं दोस्तों हमारे आज के इस वीक की पहली टेक और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड न्यूज अपडेट्स को। दोस्तों सबसे पहला अपडेट निकल के आ रहा है वन प्लस की तरफ से, वन प्लस नॉट टू सीई 5G। दोस्तों ये BIS सर्टिफिकेशन साइट के ऊपर आ चुका है और इसका जो मॉडल नंबर है वो निकल के आया है i5 2021। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये जल्दी ही लॉन्च हो सकता है। दोस्तों अच्छी बात है, देखते हैं। और दोस्तों व्हाट्सएप जो बिजनेस बीटा होता है उसके बीटा वर्जन के अंदर एक नया फीचर आ चुका है क्विक रिप्लाई का। दोस्तों इसका मतलब यह है कि व्हाट्सएप बीटा वाले यूजर जो होंगे, व्हाट्सएप बिजनेस वाले जो यूजर होंगे बेसिकली, उनको क्विक रिप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा जल्दी ही। और दोस्तों उसके अंदर जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो नॉर्मली लोग पूछते ही रहते हैं, तो उनका आंसर आप क्विकली दे सकते हो। सिर्फ सिलेक्ट करोगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट की तरह और उसके अंदर सिलेक्ट करके आप उसको रिप्लाई कर पाओगे। दोस्तों ये इजी हो जाएगा आपको बार बार रिप्लाई देना एक ही क्वेश्चन का या एक जैसे कॉमन क्वेश्चंस का। और दोस्तों पबजी न्यू स्टेट के अंदर आज जो है विंटर कार्निवल शुरू हो चुका है। दोस्तों ये नया इसके अंदर आ चुका है, तो आप ट्राई कीजिएगा दोस्तों, बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। आपको इसके अंदर फ्री टिकट मिल जाएगी दोस्तों और कुछ कूपन कोड्स भी अवेलेबल है, तो अच्छी बात है दोस्तों। कुछ क्रेट्स के स्पेशल क्रेट्स के टिकट या कूपन अवेलेबल है आपको मिल जाएंगे दोस्तों, और उसके अंदर आपको कुछ स्पेशल गिफ्ट मिल जाएंगे। तो ट्राई कीजिए दोस्तों, देखते हैं कि लोगों को क्या क्या मिलता है। पर आपको मैं बता दूं जो इसकी क्रेट है उसका नाम है लॉर्ड ऑफ ब्लड। तो दोस्तों स्पेशल ये क्रेट है, ट्राई कीजिए दोस्तों, अच्छा लगेगा। और दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S21 FE इसके फिर से सामने प्राइसेस वगैरह निकल के आ चुके हैं। और दोस्तों ये आयरलैंड की वेबसाइट के ऊपर लिस्ट हो चुका है, जो सैमसंग की आयरलैंड वाली वेबसाइट है उसके हिसाब से दोस्तों इसका जो प्राइस स्टार्ट होने वाला है अराउंड 65,000 समथिंग होने वाला है। इसके अंदर दो वेरियंट आएंगे 128GB और 256GB का। उस साइट के हिसाब से इसके ऊपर दो रैम ऑप्शंस भी होंगी 6GB और 8GB की। और दोस्तों अभी जो है आयरलैंड वाली वेबसाइट पे प्रोसेसर की जो है वो भी वहीं पे नहीं है, मतलब ऑप्शन नहीं है, बताया नहीं गया है कि क्या इसके अंदर प्रोसेसर आएगा। वही कंफ्यूजन दोस्तों अभी भी बनी हुई है, 888 आएगा या Exynos 2100। बाकी दोस्तों आप जो है सूरज वेरियंट तो क्लियर हो चुके हैं। बाकी दोस्तों इसके जो कलर आएंगे वो आएगा वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट और एक थोड़ा सा पिंक टाइप का आएगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ और निकल के आता है। और दोस्तों वीवो की वॉच 2 जो आने वाली है दोस्तों उसकी एक फोटो सामने निकल के आ गई है, आप देख सकते हो। दोस्तों ये होने वाली है वीवो की वॉच 2 और ये सपोर्ट करेगी ई सिम को। दोस्तों ये सबसे अच्छी चीज है, ई सिम को सपोर्ट करती है, तो डिजिटली एक सिम आपके वॉच में पड़ जाएगा। दोस्तों काफी अच्छी बात है। और दोस्तों आज एक रिपोर्ट निकल के आई है iPhone SE 3 जो आने वाला है 2022 के अंदर। दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि ये प्रोडक्शन फेज के अंदर जाने वाला है। तो दोस्तों ये जो होती है ये ट्रायल या एंट्री लेवल की प्रोडक्शन फेज होती है, जब स्टार्टिंग होती है उनकी, टेस्ट करना होता है उन्हें फोन को या कुछ भी है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अब ये प्रोडक्शन फेज पे जाएगा और इसके ऊपर टेस्टिंग वगैरह शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों जो हमारे पास पहले स्पेसिफिकेशन निकल के आई थी शायद वैसा बन चुका है दोस्तों। और दोस्तों LG की तरफ से आज उनका एक लैपटॉप है काफी ज्यादा पावरफुल है दोस्तों, ये आने वाला है अल्ट्रा गियर 17G90Q। दोस्तों ये आज अनाउंस कर दिया उन्होंने और ये आएगा इंटेल कोर कोई प्रोसेसर के साथ में 11 जनरेशन का होगा। दोस्तों जो भी प्रोसेसर होगा, ये नहीं बताया कौन सा प्रोसेसर होने वाला है। बाकी दोस्तों उन्होंने कहा है कि बहुत ही पावरफुल लैपटॉप होने वाला है। दोस्तों ग्राफिक कार्ड जो है आपको अलग से मिल जाएंगे इसके अंदर और रैम रोम भी काफी जबरदस्त होने वाले। कहा जा रहा है कि शायद 16GB से स्टार्टिंग होगी इसकी रैम की या और 32GB तक जाएगी। दोस्तों इसका मतलब ये भी है कि ये गेमिंग लैपटॉप भी कह सकते हैं इसे, तो देखते हैं दोस्तों जैसे ही आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। और दोस्तों वीवो S12 Pro ये अभी जो है लॉन्च होगा चाइना में, पर दोस्तों इसकी एक इमेज निकल के आई आप देख सकते हो। इसके अंदर जो है फ्रंट में डुअल कैमरा हो सकता है, तो दोस्तों हमें ये तो पता है कि इसके अंदर जो है फ्रंट में 50MP का एक कैमरा आने वाला है, पर डुअल है इसका मतलब ये हुआ कि एक छोटा कैमरा भी साथ में आएगा, हो सकता है वो अल्ट्रा वाइड एंगल के टाइप में आ जाए। दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं दोस्तों एग्जैक्टली क्या मेगापिक्सल और क्या कुछ डिटेल और निकल के आती है। और दोस्तों अमेज़न के ऊपर उनकी विंटर सेल शुरू हो चुकी है, इसके अंदर आपको काफी सारे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे up to 60%। तो दोस्तों ट्राई जरूर कीजिएगा और इसके ऊपर जो है आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी जो कि आप बेड्स वगैरह परचेज कर सकते हो या जो भी आपको कपड़े वगैरह चाहिए सर्दियों के और डिनर सेट्स वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, तो ट्राई कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं ये जो है 11th of January तक चलेगी, तो टाइम है अभी, देख लीजिएगा सेल को जरूर। और दोस्तों आज एक सामने और र्यूमर निकल के आए हैं,
सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज के बारे में। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज जो होने वाली है, कहा जा रहा है कि वो मतलब उसके जो बैक साइड होंगे पूरे पूरे ग्लास से बने होंगे। अब दोस्तों पता नहीं है, र्यूमर्स तो कुछ भी कहते रहते हैं, तो देखते हैं दोस्तों कि असल में आता है नहीं आता है। पर साथ में एक और चीज निकल गया, ये जो S22 अल्ट्रा होगा उसके जो कैमरा फीचर होंगे दोस्तों बहुत ही ज्यादा एनहेंस्ड होंगे, मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़िया फीचर्स के साथ में आएगा। दोस्तों देखते हैं, वैसे तो हमें पता है कि 108 मेगापिक्सल का ही कैमरा आने वाला है, पर देखते हैं दोस्तों कितने फीचर्स और ज्यादा ऐड होते हैं। और दोस्तों पैनासोनिक की तरफ से उनकी टच बुक S1, दोस्तों ये रग्ड टैबलेट है बेसिकली, और ये जो है आज इंडिया में लॉन्च हो चुका है। इसका प्राइस निकल के आया है 98,000 रुपीज। दोस्तों आपको बता दूं, जो फॉरेन वगैरह में कहीं ना कहीं लॉन्च हुआ था उसका प्राइस 1,40,000 और समथिंग का, तो इंडिया में तो बहुत सही प्राइस आया मैं ये कहूंगा। बाकी दोस्तों ये जो बुक आती है ये उन्होंने कहा है ये स्पेशल बनी हुई है, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस तक के, मतलब जो हमारा चला जाता है गर्मी उसके अंदर भी ये बड़े आराम से काम करेगा। दोस्तों काफी अच्छी बात है। दोस्तों इसके अंदर जो है आपको मिलेगा 660 Qualcomm Snapdragon 660, यानी कि एक 4G है। इसके अंदर 4G बोर्ड का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वाईफाई 6 का सपोर्ट आता है दोस्तों इसके अंदर, ब्लूटूथ का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। 4GB की रैम से इसकी स्टार्टिंग होती है पहली, और दोस्तों काफी अच्छा ये आप टैब कह सकते हो, टैबलेट कह सकते हो। इसके अंदर आपको साइड में देख सकते हो आपको जो है मेटल फिनिश मिल जाती है, और 5 मेगापिक्सल का एक कैमरा है फ्रंट में, और दोस्तों ये एंड्रॉयड 10 के ऊपर रन करता है। 64GB की इसकी इंटरनल स्टोरेज आती है, और इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 1080p तक ही है। दोस्तों ओवरऑल सही है, पर देखते हैं दोस्तों और क्या कुछ लेके आता है। और दोस्तों बोल्ड की तरफ से आज उनके ऑडियो एयरबस प्रो पॉड्स एक्स, दोस्तों ये मैंने बताया था कि अनाउंस किए थे उन्होंने आने वाले हैं, और आज ये फाइनली लॉन्च हो चुके हैं। दोस्तों इनका जो टोटल प्लेबैक टाइम है वो है 32 आवर्स का, और इनका प्राइस निकल के आया 1499 रुपीज का, यानी कि 1500। दोस्तों ये IPX5 की रेटिंग के साथ में आते हैं, तो दोस्तों ओवरऑल अच्छा है, जो भी लोग ट्राई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और दोस्तों आज जो है एंकर की तरफ से उनके वर्क पावर कॉन्फ C300, दोस्तों ये AI पावर्ड एक वेब कैमरा उन्होंने लॉन्च किया है आज इंडिया में। दोस्तों इसका जो प्राइस निकल गया है वो निकल गया है 9999 रुपीज का, और दोस्तों ये जो कैमरा है काफी सही है, इसके अंदर आप 60 फ्रेम रेट पर सेकंड के हिसाब से रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और दोस्तों ये जो कैमरा है ये काफी ज्यादा बढ़िया है, मतलब उन्होंने कहा है कि डिजिटली काफी अच्छे फोटोग्राफ्स वगैरह, सॉरी काफी अच्छी वीडियोग्राफी कर लेता है, और दोस्तों क्योंकि ये AI पावर्ड है तो काफी अच्छे कलर रिप्रोडक्शन वगैरह भी आपको देगा। दोस्तों ये अवेलेबल हो चुका है Amazon के ऊपर, और आपको बता दूं इसका जो प्राइस निकल गया है वो निकल के आया है Amazon के हिसाब से 8,699 रुपीज का, यानी कि ओरिजिनल प्राइस जो है वो 9999 का है, पर Amazon के ऊपर थोड़ा कम के ऊपर लिस्ट हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि शायद हो सकता है थोड़े दिनों बाद प्राइस वापस जाए, तो इंट्रोडक्टरी प्राइस हो सकता है ये। तो दोस्तों जो भी लोग ट्राई करना चाहते हैं वो इसे कर सकते हैं। और दोस्तों NVIDIA की तरफ से उनके 2 आज GPUs को अनाउंस कर दिया गया है। दोस्तों ये जो है इसके अंदर आता है पहले GeForce RTX 2050 और दूसरा है GeForce MX 570। दोस्तों काफी अच्छे GPUs है, उन्होंने कहा है कि ये आपको बहुत अच्छे ग्राफिक प्रोडक्शन वगैरह देंगे, काफी अच्छी प्रोसेसिंग है इनकी। दोस्तों देखते हैं कौन से लैपटॉप के अंदर या कौन से PC के अंदर ये आपको मिलते हैं, काफी उन्होंने कहा है जबरदस्त है, और देखते हैं दोस्तों कि कौन से आने वाले 2022 के लैपटॉप्स में ये आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों ब्लिंक इट, आपको याद होगा मैंने बताया था ग्रोफर्स ने अपना नाम चेंज कर लिया और उन्होंने रख लिया है ब्लिंक इट, ब्लिंक और आपकी जो सामान है आपके सामने हाजिर हो जाएगा। दोस्तों बेसिकली उन्होंने टाइम रखा है अपना कि 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपका जो भी आप आइटम मंगवाओगे वो डिलीवर हो जाएगा आपके घर पे। और दोस्तों आज जो है ब्लिंक इट ने अपनी जो सर्विस है कई ऐसे एरियाज है जहां पे टेम्परेरीली स्टॉप कर दी है। बेसिकली दोस्तों ये इसलिए किया है क्योंकि उन एरियाज के अंदर उनकी जो डिलीवरी है वो 10 मिनट में नहीं हो पा रही है, 10 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं उसमें, तो उन्होंने वहां पर जो है उसे सर्विस को ही स्टॉप कर दिया। दोस्तों ये सही है, मतलब जहां पे कर नहीं सकते ना वहां पे बंद कर दो, चलिए उनकी मर्जी। और दोस्तों ये बंद हो चुका है वहां पे, मतलब जो भी एरिया में, अगर आपके एरिया में अवेलेबल है तो अच्छी बात है, आपको 10 मिनट के अंदर कोई भी सामान मिल सकता है, और अगर नहीं अवेलेबल है तो इसका मतलब है आपके एरिया को टेम्परेरीली ब्लॉक कर दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि जब हमारी सर्विस वहां पे थोड़ी बढ़ जाएगी तब हम यहां पर से दोबारा से शुरू करेंगे सर्विस। दोस्तों सही है। और दोस्तों BGMI की बात करते हैं, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की, इसके अंदर जो है दोस्तों क्रिसमस इवेंट आ चुका है,
1.8 का अपडेट आ रहा है बेसिकली, इसके अंदर आपको क्रिसमस इवेंट मिल जाएगा, उसके साथ में आपको काफी अच्छे रिवॉर्ड्स वगैरह भी मिल जाएंगे। दोस्तों ट्राई कीजिए, अगर आपने अभी तक गेम को अपडेट नहीं किया कर लीजिए, वैसे मैंने भी नहीं किया, मैं भी कर लूंगा, तो देखते हैं दोस्तों कि क्या रिवॉर्ड्स वगैरह मिलते हैं। और दोस्तों रियलमी GT 2 Pro आज लॉन्च होना था, लॉन्च इवेंट था उनका, तो बेसिकली दोस्तों आज लॉन्च नहीं हुआ है, उन्होंने पहले 9th की डेट दी थी तब नहीं किया, आज की डेट दी थी नहीं किया। और दोस्तों आज उन्होंने उसके तीन फीचर्स को बता दिया है, एक मैंने आपको बता रखा है 150 डिग्री के अंदर उसका कैमरा जो है वो आपको फोटो खींच के देगा अल्ट्रावाइड वाला, तो दोस्तों वो फीचर उन्होंने अनाउंस किया है। उन्होंने कहा है कि इसके अंदर जो आपको डिजाइन मिलेगा वो पेपर वर्क का लगेगा आपको, पर अलग सा होगा, तो डिजाइन थोड़ा काफी जबरदस्त सा होगा। और दोस्तों मैंने आपको ये भी बीच में बताया था कि इसको रीडिजाइन किया जा रहा है, पहले 9th को लॉन्च होने वाला था पर उन्होंने कह दिया था कि इसको रीडिजाइन करेंगे तब बाद में लॉन्च करेंगे, तो इसलिए ये अभी प्रोडक्शन स्टेज पे होगा या फिर इसकी रीडिजाइनिंग चल रही होगी। और दोस्तों उन्होंने कहा है कि ये काफी ज्यादा जबरदस्त आपको स्मूथ एक्सपीरियंस देगा, और उन्होंने ये भी कहा है कि रियलमी GT सीरीज जो है जल्दी ही आने वाली है और ये अब तक की सबसे ज्यादा पावरफुल सीरीज होने वाली है। दोस्तों देखते हैं जब आएगी तब पता चलेगा कि कितनी पावरफुल है, पर दोस्तों कहा जा रहा है तो अच्छी बात है। और दोस्तों अब बारी होती है ऑटो न्यूज की, और ऑटो न्यूज में सबसे पहला अपडेट निकल के आ रहा है लेक्सस की तरफ से। दोस्तों लेक्सस की पहली SUV वर्ल्ड वाइडली EV के अंदर हो सकती है एक SUV, अब मैंने पहले बोल दिया SUV, और ये होने वाली है RZ यानी कि RZ। दोस्तों देखते हैं, उन्होंने कहा है कि 2022 के अंदर ये लॉन्च करेंगे। बाकी दोस्तों उन्होंने ये भी बताया था कि अभी इंडिया के अंदर कोई शेड्यूल नहीं की गई है कि नई कोई कार कब लॉन्च कर रहे हैं, हो सकता है मैंने आपको पहले भी कहा था 2023 के अंदर आ जाए, बाकी देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों आज सामने निकल के आया है कि मारुति सुजुकी बुलेनो का भी स्टाइलिंग वगैरह चेंज होने वाला है, फेसलिफ्ट होने वाला है। दोस्तों काफी अच्छी बात है, फेसलिफ्ट होना बहुत जरूरी है जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है। दोस्तों कहा जा रहा है शायद मैकेनिकली थोड़ा बहुत चेंज हो, और स्टाइलिंग में तो बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है, चाहे इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर हो पूरी तरह से बदल जाएगा। बाकी दोस्तों देखते हैं, अभी उन्होंने अनाउंस तो नहीं किया है, ये सिर्फ हमारे पास र्यूमर्स या टिप्सचर्स कहेंगे हम जो निकल के आए हैं, उन्होंने कहा है, तो देखते हैं दोस्तों कि ये कब तक निकल के आती है। और दोस्तों ह्यूंडई का वेन्यू जो है उसका भी फेसलिफ्ट होने वाला है, वो भी देखा गया है कहीं ना कहीं। और दोस्तों आप बता दूं ये अभी बाहर कहीं लॉन्च होगा, इंडिया में बाद में आएगा, उन्होंने कंफर्म तो कर दिया है। एक बात और बताता हूं दोस्तों, उन्होंने ऐसा कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ टिप्स मिली है, शायद इसका मैकेनिकली चेंज नहीं होने वाला कुछ भी, हो सकता है सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर और एक्सटीरियर में ही चेंजेस हो। दोस्तों जरूरी भी है, मैंने आपको बताया था फेसलिफ्ट होना, पर देखते हैं मैकेनिकली कुछ चेंज होता भी है या नहीं। और दोस्तों एक और फेसलिफ्ट आने वाला है, दोस्तों आज आप कहोगे फेसलिफ्ट लेके बैठे, तो दोस्तों फेसलिफ्ट की आज न्यूज ज्यादा थी, फेसलिफ्ट आने वाला है किया की तरफ से सेल्टोस का। और दोस्तों उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया कि ये इंडिया में आएगी और 2022 के अंदर ही ये लॉन्च हो जाएगी ग्लोबली, बाकी इंडिया के अंदर भी आ जाएगी नेक्स्ट ईयर के एंड तक। दोस्तों इसके अंदर जो है इसके अंदर भी मैकेनिकली कोई चीज नहीं आने वाला है जो कि पता चला है, बाकी दोस्तों स्टाइलिंग में पूरी तरह से चेंज आ जाएगा, गाड़ी जो है बहुत ज्यादा अलग दिखेगी। दोस्तों देखते हैं एग्जैक्टली क्या निकल के आता है। वैसे जो किया की सेल्टोस है ये इसका फर्स्ट टाइम फेसलिफ्ट होने वाला है, तो अच्छी बात है दोस्तों फर्स्ट टाइम होगा तो काफी सारे मेजर चेंजेस हो सकते हैं। और दोस्तों बाइक्स में सिर्फ एक ही न्यूज निकल के आई है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। दोस्तों रॉयल एनफील्ड जो क्लासिक 350 है जो कि 1 सितंबर से लेके 5 दिसंबर के बीच में बने हैं या फिर सेल हुई है उनकी, दोस्तों उनके अंदर कोई इश्यू देखा गया है, स्पेशली जो सिंगल ABS के साथ में आते हैं। दोस्तों कंपनी ने बहुत सारी बाइक्स को जो है रिकॉल किया है, यानी कि वापस बुलाया उस कमी को ठीक करने के लिए, उस इश्यू को ठीक करने के लिए। और दोस्तों एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर जो है 26,300 टोटल बाइक्स हैं जिनको उन्होंने वापस बुलाया है। दोस्तों इश्यू वगैरह अगर आए तो वापस बुलाना चाहिए, ठीक तो होना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज के टेक और ऑटोमोबाइल दोनों न्यूज होते हैं एंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।